सबसे पहले जो हमें चिकन को लगाने के लिए चीज़ें दरकार हैं वो मैं आपको बताता चलूँ। 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून सिट्रिक पाउडर जिसे कि हम टाटरी कहते हैं, 2 टेबल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर काली मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून अजवाइन पाउडर, 2 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें चिली फ्लेक्स, गार्लिक पाउडर 1 टेबल स्पून नमक हसबे जायका, 1 टेबल स्पून गार्लिक पेस्ट एंड 1 टेबल स्पून जिंजर पेस्ट, ये अदरक का पेस्ट और लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, 2 कप सिरका हमें रिक्वायर्ड होगा। हम 2 सब्जियों को मसाला लगाने जा रहे हैं तो उसके सबसे पहले प्रिपरेशन के लिए हम ये लगाएंगे। ये जो सारे मसाले मैंने आपको बताए हैं इन सब मसालों को हम एक साथ मिक्स कर लेंगे इस तरह से। ये सब इस मसालों को आपने इस तरह से एक साथ मिक्स कर लेना है। इसी के अंदर हम अदरक लहसुन का जो पेस्ट मैंने 1 चम्मच कहा था वो ऐड कर लेंगे। सब मसाले में 1 कप सिरका ऐड कर लेंगे और इसमें अच्छी तरह से इस मसाले को मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद कुछ इस तरह का मटेरियल आपके पास बन जाएगा। ये हमने 2 सब्जियों के लिए बनाया है, 2 चिकन के लिए ये हमारा मटेरियल है जो हम मैरिनेशन के लिए अभी यूज़ कर रहे हैं। जो ये सारा हमने मसाला बनाया है इसका हाफ आपने 1 चिकन, क्योंकि ये 2 चिकन का मसाला है तो हम ये इसका जो हाफ होगा वो 1 चिकन के अंदर उसके ऊपर डालेंगे। हाफ इसमें हमने ऐड कर लिया और हाफ हमने दूसरी चिकन के लिए रख लिया। मसाला ऐड करने के बाद ऊपर से हमने विनेगर थोड़ा सा और डाल लेना है, तकरीबन 1/2 कप विनेगर मैंने और डाला है। इस पर मिक्स कर लेंगे इस तरह से, जैसे कि आप ये देख सकते हैं सारा इस तरह अंदर तक जाना चाहिए मसाला, सब अंदर तक लगाना है। ये देखें जैसे आप देख रहे हैं कि अंदर सारा मसाला गया हुआ है इसके, ये सारा आपने इस तरह से अंदर तक इसको पेनिट्रेट करना है। ये स्किन का हिस्सा है, आपने स्किन यहाँ से इसके अंदर हाथ डाल के ऐसे स्किन में आपको स्पेस मिल जाएगी, इसके अंदर आपने सारा मसाला भरना है। जो मैं बनाने जा रहा हूँ वो है सज्जी का मसाला, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट सज्जी बनाने में जो उसका मसाला होता है वही अहम किरदार अदा कर रहा होता है। तो उसके लिए जो हमें चीज़ें दरकार हैं वो है 2 टेबल स्पून कुटा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून अजवाइन पिसी हुई, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, उसके बाद सिट्रिक पाउडर हमें रिक्वायर्ड होगा 1 टेबल स्पून, 2 टीस्पून ब्लैक पेपर काली मिर्चें, 2 टेबल स्पून धनिया सूखा धनिया कुटा हुआ, चाट मसाला आपको 2 टेबल स्पून रिक्वायर्ड होगा, अगर नहीं है तो आप शान का चाट मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपने गार्लिक पाउडर यूज़ करना है 1 टेबल स्पून। इन सब मसालों को अब हम आपस में मिक्स कर लेंगे, वही मसाला रेडी हो जाएगा जो हमने सब्जी बनाने के बाद उसके ऊपर डालना है यूज़ करना है। सॉरी, इसमें एक चीज़ मैं भूल गया, आपने आमचूर पाउडर या खटाई पाउडर भी उसको कहते हैं, 2 टेबल स्पून खटाई पाउडर भी यूज़ करना है। अब ये जो चिकन है जिसको मैंने मैरिनेट करके पहले से कोई 4-5 घंटे पहले रख दिया था, अब इसको हम लोग सीख में लगा लेंगे। इसको ज़रा एक दफ़ा फिर मसाले के अंदर अच्छी तरह से लगा लें। ये कुछ तार रिक्वायर्ड होंगे, कुछ लोग धागा भी बांधते हैं मगर मैं तार बांध रहा हूँ, ज़रा ईजी रहे। सबसे पहले हम उसकी फर्स्ट लेग की जो पीछे रगें होती हैं उसके अंदर से लेते हुए, फिर उसके बाद हम ये इधर जो दुमची वाली साइड होती है ये लेंगे, उसके बाद हम जो लेग की दूसरी वाली लेग को इसके अंदर करेंगे और अब हम इसके अंदर से गुजारते हुए जो इसकी नेक है नेक के अंदर से आपने निकालना है। ये इस तरह से हम एक साइड को तार बांध लेंगे, स्टिक रहे। इसके जो ये विंग्स हैं ये हमने यहाँ पे इसका जो सीना जहाँ पे एंड होता है वहाँ पे बहुत छोटा सा इतना सा ये टक लगाना है, और ये टक लगाने के बाद ये विंग्स छोटा सा एक टक लगा के इसके अंदर हमने विंग को कर देना है, तो ये इस तरह से कुछ शेप हो जाएगी। इसी तरह हम इधर साइड पे एक टक लगा लेंगे छोटा सा और उसके अंदर हम इस विंग को अंदर करते हैं, कुछ इस तरह से इसकी शेप बन जाएगी। ये नेक वाली साइड को इधर से बांध लेंगे, जिस तरह हम इसको घुमाएंगे ये स्लिप भी नहीं होगी और अपनी जगह टाइट भी हो जाएगी। ये थोड़ी सी स्किन यहाँ से उतर गई थी तो मैंने उसको इस तरह से लगा लिया है।
ये हमारी पूरी सब्जी तैयार है। अब हम इसको आग पे लगाएंगे। सबसे पहले हम ऑयल डालेंगे इसके अंदर, तकरीबन हाफ कप ऑयल मैंने यूज़ किया है इसमें। जब ऑयल गर्म हो जाए तो उसके अंदर जो गर्म मसाले के तेज़पत्ता, ज़ीरा, 5-6 लौंगे और जो है बड़ी इलायची, जायफल और बादियान के फूल, ये मैंने ले लिए हैं। ये इसके अंदर मैं अब डाल दूँगा सारा गर्म मसाला। थोड़ा सा हम ऑयल में इसकी खुशबू आ जाए, साथ ही जो है हम प्याज और लहसुन, एक बड़ा प्याज मैंने ये काटा हुआ है और 5-6 लहसुन के जवे आप ले लें, वो इसमें ऐड कर लें। उंगली और इधर उधर ना दें। प्याज जब अपना थोड़ा सा कलर चेंज कर ले, बिल्कुल ब्राउन नहीं करना आपने, जैसे ही अपना प्याज कलर चेंज करती है साथ ही आपने इसके अंदर किशमिश डाल लेने, तकरीबन मुट्ठी भर आप इसके अंदर किशमिश ऐड कर लें। 1/2 टेबल स्पून इसमें हल्दी डाल लेंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्चें, नमक हसबे जायका, और इसको अच्छी तरह से अब हम मिक्स कर लेंगे। इससे ज़रा हल्दी से चावलों के अंदर जो कलर उत कलर बन जाता है चावलों का। अब ये देखें किशमिश फूल गए सारे। अब जो है हम इसके अंदर जो गाजरें थी वो ऐड कर लेंगे, इस तरह से काटेंगे इसे। तकरीबन 1 कप पानी ऐड कर लेंगे अब इसमें। और इसको थोड़ा सा दम दे देंगे ताकि जो हमने वेजिटेबल्स डाली हैं ये थोड़ी गल जाए। अब ये सब्ज़ी देखें हमारी जो है वो गल गई है। अब इसके अंदर मैं 1 अदद चिकन क्यूब ऐड कर लूँगा फ्लेवर के लिए। ये पुलाव क्यूब है जो मैंने इसके अंदर ऐड किया है। अब इसके अंदर तकरीबन 3 ग्लास पानी ऐड कर लेंगे। ये जो सब मैंने मसाला बनाया है ये 1 किलो चावल का है। चावल मैंने पहले से भिगो के रखे हुए थे, अब वो इसमें ऐड कर लेंगे। इसका जब पानी खुशक होने लगेगा तो हम इसको दम पे लगा देंगे। अब हम इसको इस तरह से रख लेंगे ताकि हम प्रॉपरली किसी कोलों के ऊपर इनको सेक लें, फिर ये प्रॉपर तैयार होंगे। गोल्डन हो जाए तो इसके ऊपर हम छुरी से इस तरह कट लगा लेंगे और कट लगा के इसके ऊपर हम नींबू का रस निचोड़ेंगे सारा, ताकि जो स्किन है वो अपना मॉइस्चर ड्रॉप कर रही है, उसमें दोबारा से मॉइस्चर आएगा तो नींबू है वो अंदर तक पेनिट्रेट कर जाएगा इसके। तकरीबन 3-4 नींबू आप डालेंगे तो बहुत ही मज़ेदार काम हो जाएगा। अच्छी तरह इसके ऊपर लेमन निचोड़ने के बाद आपने वो जो मसाला बनाया है वो इसके ऊपर इस तरह से स्प्रिंकल करें इसके ऊपर। हमारे रेडी हैं ज़बरदस्त से, इनको हम मिट्टी के ट्रे में कन्वर्ट कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है इसकी, ज़बरदस्त। और पीछे जो आपको आवाज़ आ रही है चटनी की, ये चटनी बन रही है। सब्जी हमारी रेडी हो चुकी है। जब भी ऊपर से इस तरह से सारी स्किन ब्लैक हो जाए तो इसको फिर हमने सेंटर में से इस तरह कट कर लेना है, इसे उल्टा करके सारे कट लगा लेने।
इसको अब हमने साइड पलटा के इस तरह से ग्रिल के ऊपर रख लिया। इसको इस तरह जब हमने ट्रे में रख लेना है चावलों के ऊपर गरम गरम सब्जी को, और उसके ऊपर निचोड़ना है हमने लेमन अच्छी तरह से, और उसके ऊपर डालेंगे हम मसाला जो बनाया था। जितना आप लाइक करते हैं, ज़्यादा स्पाइसी है तो ज़्यादा डाल लें इसको आप, क्योंकि सारे स्पाइसेस के अंदर है ये। साथ ही हमने पुदीने की चटनी बनाई है इसके, ये देखिए ये सब्जी हमारी रेडी हो गई है जो राइस के ऊपर मैंने डाल के और उसके ऊपर मसाला वगैरह डाल दिया है। बहुत ही मज़ेदार ये सब्जी बनी है।